हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय। फर्स्ट वन इज प्लांटिंग ट्रीज, सेकेंड वन इज कल्टीवेटिंग क्रॉप, थर्ड वन इज ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स एंड लास्ट वन इज ग्रोइंग ग्रासेस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी किसके द्वारा ट्रैप की जाती है। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। कहाँ से आती है? सनलाइट से आती है। और कह सकते हैं जो मेजोरिटी ऑफ सोलर एनर्जी होती है यहाँ पे प्रोड्यूस एट वेवलेंथ दैट आर नॉट गुड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 98% जो सोलर एनर्जी होता है वो हमारे अर्थ में जो है रिफ्लेक्टेड ऑफ होता है। कहाँ पे? सरफेस ऑफ जो लीव्स होते हैं, अदर सरफेस बिफोर बीइंग ऑब्जर्व बाय अदर मॉलिक्यूल्स विच हिट दी प्लैनेट। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 to 1 to 2% जो है अवेलेबल होता है फॉर प्लांट टू अब्जॉर्ब। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है किसके द्वारा ट्रैप की जाती है, तो वो होता है यहाँ पे एल्गी। क्या होता है? एल्गी होता है। एल्गी जो होते हैं क्या होते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ प्रीडोमिनेटली यहाँ पे एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड अपना फूड बना सकते हैं, फोटो सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इसमें बात करें 52 जो है 55% ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है ऑन दी अर्थ। अब मोस्ट सोलर एनर्जी जो है कैप्चर्ड होता है किसके द्वारा, एल्गी ग्रोथ अगर हो रहा है किसी टैंक में तो, एल्गी ग्रोथ हो रहा है किसी टैंक में तो। अब सबसे ज्यादा जो है एल्गी क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फूड अपना जो है बना सकते हैं। कब? जब रेड एंड क्या है ब्लू जो है लाइट आए। अब इनमें जो है एक पिगमेंट होता है जो क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल। और इसका नाम होता है फाइकोसाइनिन। इसका नाम है फाइकोसाइनिन, जो क्या करता है, हेल्प करता है या कह सकते हैं इनके पास एबिलिटी होता है टू कैप्चर द मोस्ट एनर्जी, क्योंकि इनके पास क्या है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट यानी कि फाइकोसाइनिन है। तो यहाँ पे ये कैच कर सकते हैं लाइट को ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को ये क्या कर सकते हैं, ये कैच कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्लांटिंग ट्रीज, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सोलर सेल्स यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन प्लांट यूज क्या करते हैं सन का, सन के एनर्जी को, ताकि वो इसको यहाँ पे क्या बना सके, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत, इसको यूज करते हैं किसमें, केमिकल जो है एनर्जी बनाने के लिए करते हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा है कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, तो कल्टीवेटिंग क्रॉप्स में भी जो है मैक्सिमम सोलर एनर्जी नहीं ट्रैप होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, एल्गी के द्वारा होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स, अगर कोई टैंक में एल्गी ग्रो कर रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एल्गी जो है कितना करते हैं, फोटोसिंथेसिस 50 to 55%, और ये सबसे ज्यादा जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फाइकोसाइनिन होता है पिगमेंट, उसकी हेल्प से। डी दे रखा है ग्रोइंग ग्रासेस, ये भी क्या होगा, अगेन गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।